हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है? नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आज हम जो है यहाँ पर हैं, क्यों हैं? आपको पढ़ाने के लिए हैं, ठीक है? तो आज हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी पैराडाइज फैमिली में। दिस इज योर मेंटर, योर काजल मैम, ठीक? तो हम अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और क्या है वो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो ये मत सोचो कि कैसा चैप्टर है, कैसे पढ़ेंगे, क्या कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट किसके साथ में कर रहे हैं, ठीक है? तो कंट्रोल जो भी हो रहा है और जो भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो हमारी बॉडी के साथ हो रहा है, हमारा ब्रेन उसमें हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्या चीज़ें हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है? तो इतना सोचो मत, उसको हम अभी इसी चैप्टर में अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है? उससे पहले ज़रा बताओ कैसे हो, ठीक है ना? तो बताओ ये कैसे हो सब लोग, कैसे हो सब लोग? मैम बस पूछे नहीं, पढ़ रहे हैं बस, जैसा भी है चल रहा है। तो ये मत बताओ कि चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है, बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से है, इंजॉय करो, आराम से चैप्टर्स पढ़ो, याद करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? कैसे करें मैम, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, कैसे करें मैम, कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा, हो पा रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, उसी के लिए हम यहाँ हैं, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो नहीं हुआ तो आप करते हैं और अपने चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। क्या है अपना चैप्टर? तो चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? कैसे कर रहे हैं कंट्रोल और क्या है कोऑर्डिनेशन, इन सबको हम अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक? अच्छा जी, चलो देखें क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा जरा देखो, जरा ध्यान से, तो ये क्या है? हाथ पैर जो भी चीजें मूव हो रही है ना, ये देखो सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, लेकिन इनको कंट्रोल किसने किया है, ठीक है? ये जो दिख रहा है आपको ऊपर से जो वायर जा रहे हैं, तो ऊपर से कोई कंट्रोल तो कर रहा होगा ना। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ऐसे ऐसे हाथ हिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बोल रही हूँ, देख रही हूँ, घूम रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, तो कैसे जा रही हूँ? मुझे भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा ना। तो ऐसे ही इनको भी तो कोई कंट्रोल कर रहा है। जरा यहाँ देखो, ठीक है, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, पूरी बॉडी भी मूव कर रही है, ठीक है? तो ये जो मूवमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है हाथों पैरों के साथ में, तो कौन इन्हें कंट्रोल कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक? देखो जरा यहाँ पर, तो ये जो हो रहा है ना, इनको ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है? तो ऐसे इन्हें कंट्रोल करने वाला, जैसे ऐसे ही हमें भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा, हमारी भी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है नहीं करती है? ऐसा होता है कि नहीं मैडम, हम चल रहे थे बस, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं कोई पता नहीं है भाई, हमें जहाँ जाना होता है वहां पर पहुंचते हैं, रुक जाते हैं, नहीं बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। तो वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? ये अपने हाथों को हिला रहा है, पैरों को हिला रहा है, लेकिन खुद नहीं हिला रहा है, कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना। हाँ, ऐसे ही इनको देखो, ठीक है? तो जो बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, ठीक है, चीजों का तालमेल बैठ रहा है ठीक से या नहीं बैठ रहा है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट हो रही है, ठीक, वो हम देखते हैं अपने चैप्टर में। तो क्या है कोऑर्डिनेशन, ठीक है क्या कोऑर्डिनेशन? तो देखो, द वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम हो रहा है, ठीक, ऑफ वेरियस ऑर्गन, ठीक है? हमारे बॉडी में क्या कोई एक ऑर्गन है? नहीं मैम, सिर्फ लीवर है, बस लीवर काम कर रहा है, किडनी है, किडनी काम कर रही है, ऐसा नहीं है, लीवर भी काम कर रहा है, किडनी भी काम कर रही है, स्टमक अपना अलग काम कर रहा है, ठीक है, माउथ का अलग काम है, नोज अलग काम कर रही है, आईज अलग कर रही है, ईयर अलग काम कर रहे हैं, तो सभी ऑर्गन मिलके, है ना, हार्ट का अपना काम है, सभी ऑर्गन काम कर रहे हैं कि नहीं? एक काम करता है तो दूसरा बैठा रहता है, ठीक है? वो कहता है आज तुम कर लो, कल हम कर लेंगे, फिर हम अगले महीने कर लेंगे, ठीक, ऐसा नहीं है। क्या है? वेरियस ऑर्गन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बात किसकी हो रही है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, इन अ सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एंड इफिशियंट वे, ठीक? कैसा वे है? सिस्टमैटिक वे में, कंट्रोल्ड वे में और इफिशियंट वे में, टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो क्या है कोऑर्डिनेशन? वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड इफिशियंट वे टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स टू अ वेरियस स्टिमुलस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, ठीक है? बहुत सारे वेरियस स्टिमुलाई, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, तो जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ? हाथ भी चला रही हूँ, आपसे बात भी कर रही हूँ, इधर से इधर भी जा रही हूँ, तो सब क्या है? एक सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है ना, ठीक? मैं आपको देख रही हूँ, मैडम आप कहाँ देख रही हैं हमें? हम भले आपको देख रही हैं, ठीक है? तो आपको देखना, आपसे बात करना, ठीक है, पेन चला रही हूँ, बोल रही हूँ, तो सभी काम एक साथ हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और आपसे कह रही हूँ पढ़ो, तो मैं पढ़ा भी तो रही हूँ भाई, पढ़ाऊंगी नहीं तो पढ़ोगे कैसे? हैं नन्हे मुन्ने बच्चे हो अभी तो,
तो इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे देखो बेटा, इसके हाथ, इस बच्चे को देखो, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, ठीक है, पूरी बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो हाथ भी पैर भी, तो ये जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है यही क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन एक सिस्टमैटिक वे में, एक एफिशिएंट वे में, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर रही है बॉडी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो हो गया मैम, कंट्रोल क्या है मैम, कंट्रोल क्या है फिर, ठीक है। तो इन सबको किसी ने कंट्रोल भी तो किया होगा। हाँ मैडम, ये देखो यहाँ से ये देखो कंट्रोल कर रहे हैं इनको, ठीक है, ये कंट्रोल नहीं कर रही है। अब हमारी बॉडी काम कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ही कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए भी होगा, ठीक। तो हम देखते हैं बेटा क्या है नर्वस सिस्टम। अच्छा, हर एक प्रोसेस, अभी हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ी है, ठीक है। अरे मैडम बहुत बड़ा चैप्टर है वो तो, अरे भाई पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अगर नहीं आया हो आप प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनको जरूर से देखें, ठीक, और जो नहीं आए वो पूछ लें, ठीक है। अब क्या है नर्वस सिस्टम, तो जितनी भी प्रोसेस होती है कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहता है, रहता है या नहीं रहता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी है, ठीक है। तो क्या क्या आता है नर्वस सिस्टम में, अरे मैम ये वही नर्वस सिस्टम तो नहीं है जब हम नर्वस यहाँ जाते हैं मैम, डर लगने लगता है चीज़ों से, हाथ पैर ऐसे ठंडे पड़ने लगते हैं कि अब क्या करें, अब तो नर्वस हो रहे हैं, एग्जाम है कल, कुछ पढ़ा नहीं है, बस वो नर्वस है, तो वहाँ मत जाओ। ये क्या है, ये है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या है नर्वस सिस्टम, तो हमारे नर्वस सिस्टम को हमने दो कैटेगरी में देखा पहले, कौन कौन सी बेटा, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एक क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक क्या है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम और क्या देख रहे हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है नर्वस सिस्टम, ठीक। तो अभी हमने देखा कि नर्वस सिस्टम जो है वहां पर हमने देख लिया कि भाई पेरिफेरल है, सेंट्रल है, उनके भी अपने पार्ट हैं, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। इट इज द सिस्टम, हाँ भाई सिस्टम है ये, विच कंट्रोल द कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन, जो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है इसको बॉडी के फंक्शन को, ठीक है। कैसे फंक्शन मैम, पार्टी वाले फंक्शन है, अरे हाँ वो ना वो पार्टियां होती हैं, फिर जाते हैं, दावत आती है, ठीक है, वो वाले फंक्शन तो नहीं मैम। नहीं नहीं, हमारी बॉडी जो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है, हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये वो फंक्शन की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। ओके, बॉडी फंक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, कौन कौन से हैं, अभी हमने देखा कौन कौन से, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल हो गया एंड पेरिफेरल हो गया। अच्छा अब देखो बेटा, सेंट्रल में हमने क्या देखा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये कहाँ आ रहे थे हमारे, सेंट्रल में आ रहे थे। मैम ब्रेन तो ठीक है यहाँ रखा है, ये है ब्रेन मैम, ये मत कहना मैम यहाँ है ब्रेन, नहीं घुटनों में, तो ये घुटनों वाला ब्रेन नहीं है, यहाँ वाला ब्रेन नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या है ब्रेन है, ठीक। अब ब्रेन तो ठीक है हम समझ में आता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो बेटा हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा क्या है ऐसा 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 ऐसा, ये क्या है ब्रेन है, और ब्रेन से ही ऐसी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको हमने क्या बोला है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो, हाँ चलो, ये ब्रेन हो गया ना। अब ब्रेन से ये जो दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको रॉड जैसा दिख रहा है, ये क्या है हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ओके, अब ये ब्रेन हमें इतना सुंदर क्यों बनाया आपने, क्योंकि ये आपका ब्रेन है, आप पढ़ नहीं रहे हो ना, तो इसलिए वो सुकड़ने लगा है कि ये बच्चा पता नहीं कैसा है, पढ़ लिख रहा नहीं है, चलो हम सुकड़ जाते हैं, हमारा काम यहाँ पे वैसे ही कम हो गया है। तो पढ़ते लिखते रहो, अच्छे से रिविजन करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो पता नहीं ब्रेन का क्या ही हो जाए, है जंग लग रही ब्रेन में, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेटा क्या बोल रहे हैं, CNS, ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखा हमने कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था उसमें ब्रेन है और क्या है स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। चलिए देख लिया हमने, देखो बेटा ये क्या है ब्रेन, ठीक, ये देखो सुंदर सा ब्रेन,
ठीक है। ये बढ़िया से, ये क्या है, ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से जो ऐसे सबको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओके, देखो अब ये क्या है, ये क्या है, ब्रेन है, ये क्या है, ब्रेन ऐसे ही दिखता है कुछ कुछ, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो ब्रेन है वो कैसा दिखता है, ऐसा। और ये क्या है, ये क्या है, देखो बेटा ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है। और ब्रेन से ये देखो, ये ऐसा दिख रहा था ना, ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो देख लो बेटा क्या है ब्रेन और क्या है स्पाइनल कॉर्ड। अभी मत कहना मैम ये पीछे जो होती ना हड्डी, यही हमारी स्पाइनल कॉर्ड, नहीं नहीं ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ठीक है, वो हमारी बैकबोन है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, जैसे ये पैन है, अच्छा इस पैन में, ठीक है, सपोज ये पैन है और पैन में जो रिफिल पड़ी होती है ना, तो वो जो पैन है वो हमारा बैकबोन है, और जो उसके अंदर रिफिल पड़ी हुई है ना, रिफिल वो क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक, प्रोटेक्टेड रहती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से इसको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। ओके, चलो फिर से देख लो एक बार, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा क्या है, ब्रेन, ठीक। यहाँ नहीं दिख रहा है ब्रेन, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, ये मैम ये क्या है, ऐसा, ठीक, ये क्या है, ये हमारा ब्रेन है, चलो ठीक है। तो अब क्या है बेटा, अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। तो क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये क्या है, मेड अप ऑफ नर्व, किससे बना होता है बेटा, नर्व से बना होता है, जो कहां से, ब्रांच आउट फ्रॉम दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये देखो ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ऑल दी नर्व्स इन दी बॉडी। तो ये सब किसके अंदर आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। और हमने क्या देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देख लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्व्स की अगर बात करें तो जो नर्व है ना, तो वो कौन कौन सी है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड विसरल नर्व, ठीक है। अच्छा, जो क्रेनियल नर्व है बेटा वो कहाँ से ओरिजिनेट या एसोसिएट हो रही है, हमारे ब्रेन से, ठीक। और जो स्पाइनल नर्व है वो कहाँ से हो रही है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएट है या फिर ओरिजिनेट हो रही है, कौन कौन सी नर्व, स्पाइनल नर्व, ठीक। विसरल नर्व क्या होती है, तो स्पेशल काइंड ऑफ नर्व, स्पेशल, हाँ स्पेशल, आप हैं स्पेशल, आपको पता नहीं, मैं तो भाई बहुत स्पेशल हूँ, ठीक है। तो स्पेशल काइंड ऑफ नर्व दैट मोस्टली अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड आर कनेक्टेड टू दी इंटरनल ऑर्गन ऑफ दी बॉडी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अराइज तो ये स्पाइनल कॉर्ड से होती है एंड आर कनेक्टेड टू दी जो इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी के, उनसे, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, विसरल नर्व बोल रहे हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोल रहे हैं, विसरल नर्व बोल रहे हैं। देखो क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, फिर क्या है, स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो हमने देख लिया कि हमारे नर्व का क्या था, कैसा था, देखो बेटा ये जो ब्रेन से एसोसिएटेड है इनको हमने क्या बोला, क्रेनियल नर्व, ठीक। और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड है उनको हमने क्या बोल दिया, स्पाइनल नर्व, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ देखते हैं एक बार, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व एसोसिएटेड होंगी उन्हें हम क्या क्या देंगे, उन्हें हम कहेंगे स्पाइनल नर्व, ठीक है। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, अपने नर्व के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखते हैं कि और क्या है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूरॉन की, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूरॉन की बात कर रहे हैं कि न्यूरॉन क्या होते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है, चलो आओ देखते हैं ध्यान से। तो बेटा जो न्यूरॉन है, ठीक, हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, ठीक है, जा रहा है, आ रहा है, हम जो सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत आर पड़ी जो हम रिस्पॉन्स करें, हम नहीं करें रिस्पॉन्स, ठीक है। हाँ, भले ही पैर में कांटा लग जाए, हम मसल क्यों रख देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चुभने की, है तो हमें कैसे लग गई, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करते ना, तुरंत पैर को क्या करते हैं, पीछे करते हैं कि भाई कांटा लगा है पीछे कर लो या उसे हटा दो, नहीं नहीं मैम हम ऐसा नहीं करते, हम तो मसल देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। आपने क्या किया, कैंडल, कैंडल थी हाथ में आपके, ठीक है, जल रही कैंडल है, उसको टच करोगे तो उंगली अपने आप पीछे जाती है, नहीं जाती मैडम, तो रखे रहते हैं, ऐसा नहीं करते हो ना, ऐसे जाते हो उसको पकड़ते हो, तो क्या है, इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई उंगली हटा लो वहां से उंगली, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे हो रहा है और हम
कैसे उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी हेल्प से कर पाते हैं बेटा, कैसे कैसे कर पाते हैं, तो हम ये नर्व सेल की हेल्प से कर पाते हैं, न्यूरॉन की हेल्प से कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या है न्यूरॉन? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरमेंट, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे एनवायरमेंट में है। अब ये नहीं कि पड़ोसी घर पे क्या बनाया है, ठीक है, उनके घर पे क्या बनाया है, कोई गेस्ट आया है क्या, नहीं आए हैं, मेरी फ्रेंड ने पढ़ाई की नहीं की, पता नहीं क्या कर रहा होगा, ठीक है, हाँ उसने सब कुछ पढ़ लिया, कल एग्जाम है, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये वो वाली इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द टाइप ऑफ नर्व सेल। वो कौन डिटेक्ट करता है बेटा? नर्व सेल, ठीक है। और उन्हें हम क्या कह रहे हैं? न्यूरॉन कह रहे हैं। उन्हें हम क्या कह रहे हैं? न्यूरॉन कह रहे हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट। जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना हुआ है, और ठीक है, जिन्हें हमने क्या कहा? न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन में क्या होता है बेटा? कंसिस्ट ऑफ, न्यूरॉन में क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, ठीक, डेंड्राइट, एक्सोन, ठीक है। इट इज दी लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी, ठीक। ये हमारे बॉडी में कैसी होती है? लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। कौन? नर्व सेल। यहाँ पर नर्व सेल की बात हो रही है। मैम ऐसी वाली सेल तो नहीं बता रही हैं आप? नहीं, हम ऐसी वाली सेल नहीं बता रहे हैं। हम कैसी सेल बता रहे हैं बेटा आपको? ये वाली जो सेल है ना, ये वाली जो सेल है, इसको हम क्या बता रहे हैं? जो इस तरीके से बनी होती है, ब्रांचेज वाली जो सेल है, ठीक है, ये जो डेंड्राइट निकले होते हैं इसमें, ये वाली जो सेल है, ये क्या है? हमारी नर्व सेल है, ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे देखते हैं फिर, ठीक। उसके साथ साथ बेटा हमने देखा कि न्यूरॉन क्या है, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमारे एनवायरनमेंट की डिटेक्ट कर लिया किसने? बाय द टाइप ऑफ नर्व सेल, जिन्हें हमने क्या कहा? न्यूरॉन। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? स्मॉल यूनिट से बना है, जिसे क्या कहा? न्यूरॉन। और क्या क्या होता है बेटा न्यूरॉन में? सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, ठीक है, ओके। अगर हम न्यूरॉन की बात करें, इसकी बात करें न्यूरॉन की, तो बेटा इसमें क्या है? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या है मैम? ये सेंसरी क्या है, मोटर क्या है, रिले क्या है? चलो देखते हैं कि ये सेंसरी, मोटर और रिले क्या है, ठीक। उससे पहले हम अपनी नर्व सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि नर्व सेल में क्या है? सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सोन है, ठीक है। बात करें अगर सेल बॉडी की, तो ये क्या है? सेंट्रल पोर्शन होता है। सेल बॉडी क्या होती है? सेंट्रल पोर्शन होता है हमारी नर्व सेल का, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन, जिसमें क्या है? न्यूक्लियस। जिसमें क्या है? न्यूक्लियस। उसे हमने क्या कहा? सेल बॉडी। ये सेंट्रल पोर्शन, इसमें जो न्यूक्लियस है, इसको हमने क्या कहा? सेल बॉडी कहा, ठीक है। लेकिन ये सेल ऐसी स्फेरिकल नहीं होती है। इट हैज अ सेंट्रल न्यूक्लियस, अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो क्या है? अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर सेल बॉडी की बात करें बेटा, तो सेल बॉडी में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, ओके, ठीक। तो कैसी दिखती है? आ जाओ देखो, तो ये देखो, ये क्या है? ये रहा सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है? न्यूक्लियस। उसके बाद में यहाँ से आपको ऐसे ऐसे, मैडम ये क्या जाल से दिख रहा है, जैसे हाथ निकल रहे हैं? हाथ नहीं निकल रहे हैं, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, इसको हमने क्या कहा है? ये निकल रहा है, ये है हमारा डेंड्राइट, ठीक, ओके। तो ये हो गई, ये क्या है? सेंट्रल पोजिशन, इसको हमने क्या कहा? सेल बॉडी, ठीक है, ओके। तो ये तो हमने देख लिया कि ये सेल बॉडी हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है? डेंड्राइट। तो डेंड्राइट में हमने देखा ना कि जो सेल बॉडी है उसके ऐसे साइड से कुछ एक्सटेंशन निकल रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे एक्सटेंशन, कुछ फिंगर जैसे निकल रहे हैं, और उनको हमने क्या कह दिया? डेंड्राइट कह दिया, ठीक है। द सेल एक्सटेंशंस व्हिच आर शॉर्टर, ब्रांच्ड एंड मोर न्यूमरस आर कॉल्ड डेंड्राइट। उन्हें हमने क्या कहा? डेंड्राइट कहा, ठीक है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इट टुवर्ड दी सेल बॉडी। ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ आपको इस तरीके से एक्सटेंशन दिख रहे थे ना, ये क्या करते हैं बेटा? इंफॉर्मेशन यहाँ से ली, फिर हमें पता है कि यहाँ पर सेल बॉडी थी, ठीक है, यहाँ पे आ गई, ठीक। उसके बाद में आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो अभी हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। मैम ये क्या बना दिया आपने, ठीक है, हमने कुछ नहीं बनाया, चलो आगे देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं बेटा, देखो ये क्या है, ये लो, ये जो एक्सटेंशन जो बने हुए हैं, इनको क्या नाम दिया? ये क्या है? डेंड्राइट है, ठीक। अच्छा ब्रांच है, बिल्कुल ब्रांच है,
ठीक है, इनको हमने क्या कह दिया, डेंड्राइट। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और क्या किया, इसको ट्रांसमिट कर दिया यहाँ, फिर यहाँ से आगे जाएगी, फिर यहाँ से बेटा एक और होगा, उसमें ट्रांसफर कर देंगे ये। ठीक है, तो ये जो काम कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं, डेंड्राइट कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सोन। ठीक, अच्छा एक्सोन में कवर्ड बाय ये प्रोटेक्टिव शीथ, जिसे हमने क्या कहा, माइलिन की शीथ कहा। इट कंडक्ट द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट टू अनदर सेल। ठीक, देखो बेटा ये क्या है, सेल है, यहां से इसकी जो ऐसे ये पूंछ निकली है ना, पूंछ मेरा हमें तो पूछता ही नहीं है, वो वाली पूंछ नहीं, ये जो पूंछ निकली है ना ऐसे यहां से, इसको हमने क्या कहा, एक्सोन कहा। ठीक है, अच्छा इस एक्सोन में, और ये क्या था, ये जो ब्रांचेस निकली हुई थी, क्या कह रहे थे इनको, डेंड्राइट कह रहे थे, कह तो रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्सोन। अब क्या है बेटा कि एक्सोन में क्या है कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ी होती है। ठीक है, उसे क्या कहा, माइलिन की शीथ या माइलिन शीथ, जिस पर वो कवरिंग है उसे हम बोलेंगे माइलिनेटेड एक्सोन, और जिस पर वो कवरिंग नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो ये, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है हमारी, माइलिन की शीथ है। ठीक, माइलिन शीथ है, तो ये माइलिनेटेड एक्सोन हो गया। ठीक, बीच बीच में आपको ये जो नोड दिख रहे हैं ना बेटा, इन नोड को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, हाँ कोई और नहीं, नोड ऑफ रेनवियर है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ सेल्स दिख रही है और ये क्या है हमारी, स्वान सेल्स। ठीक, ओके, ये पूरा जो जा रहा है ना, ये जो ब्लू बीच में, ये क्या है हमारा पूरा एक्सोन है। ठीक, और ये एक्सोन क्या कर रहा है, ठीक है, कंडक्ट द मैसेज, मैसेज अभी यहाँ आया था। ठीक है, यहाँ आ गया था ना मैसेज, यहाँ से यहाँ आ गया था, अब यहाँ से आगे भी तो जाएगा ना, जाएगा ना, और वहां आगे किसकी हेल्प से जा रहा है, ऐसे ये क्या है, ये एक्सोन है। ठीक है, तो क्या है, इट कंडक्ट द मैसेज अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, और फिर यहाँ से खत्म होगी, फिर एक और, फिर ऐसे ही एक और नर्व सेल होगी, ऐसे उसमें क्या होता रहेगा, फिर सिग्नल ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, सिग्नल लेने की इंफॉर्मेशन। ठीक, चलो नेक्स्ट बेटा क्या है, नर्व एंडिंग। अब ये देखो, ये नर्व सेल है और यहाँ पर आके क्या हो गई है, एंड हो रही है। ठीक है, एंड हो रही है, तो हमने इसे क्या कह दिया, नर्व की अब एंडिंग हो गई। ठीक, नर्व की क्या हो गई, अब एंडिंग, तो ये क्या हो गई, नर्व एंडिंग। ठीक, चलो These are the fine branch like termination of neuron. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, end हो गया। उसके बाद में क्या है, synapse. क्या होता है बेटा synapse? तो synapse क्या होता है, दो nerve cell या neuron के बीच में जो gap present है उसे हम क्या कहते हैं, synapse कहते हैं। ठीक है, दो neuron या nerve cell के बीच में जो gap present है उसे हम क्या कह देते हैं, synapse। कैसे, मान लो बेटा एक ये नर्व सेल है, एक ये नर्व सेल है, ये दो नर्व सेल है, इनके बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, साइनेप्स। ठीक है, ये एक नर्व सेल है, ये एक नर्व सेल है, इसके बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, साइनेप्स है। ठीक है, ये जो गैप बना दिया ना मैंने, ये क्या है, साइनेप्स है। ये जो गैप है ये क्या है, साइनेप्स है। देखो ये क्या है, एक नर्व सेल, दूसरी नर्व सेल, ठीक है, और इनके बीच में जो ये गैप बना हुआ है ना, इनके बीच में जो ये गैप बना हुआ है, ये गैप, ठीक है, ये जो गैप बना है इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, ओके, चल देख लो, एक ये और फिर एक ये, और बीच में क्या है, एक ऐसा गैप, तो इसके क्या हो गया, साइनेप्स हो गया। नेक्स्ट कुछ टर्म्स पढ़ेंगे अब हम, ठीक है, और वो टर्म्स क्या है हमारे, क्या है वो टर्म्स, लेकिन मैम उससे पहले वहां पर कुछ सेंसरी न्यूरॉन भी थे, मोटर न्यूरॉन भी थे, है ना, ये क्या होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो पहला क्या है हमारा, स्टिमुलस। क्या होता है स्टिमुलस, देखो बेटा जो चीजें हमारे एनवायरमेंट में चल रही हैं या हमारे इंटरनल, है ना, अंदर चल रही हैं, उनकी वजह से, ठीक, उनकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, अपने बिहेवियर में चेंज ला पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारा, स्टिमुलस होता है। ठीक, अब क्या है, एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर, कोई भी चीज जो ट्रिगर कर रही है अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। मैं आपसे कहूँ बेटा कल एग्जाम में पढ़ो पढ़ो, ठीक है, तो मैं आपसे कह रही हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन वहीं आप खुद में ये चीजों को देख रहे हो कि नहीं कल मेरा एग्जाम है मुझे पढ़ना है, आपके अंदर से आ रही है, तो वो क्या है, इंटरनल है। ठीक है, तो ये एक स्टिमुलस मिला कि तुम्हें पढ़ना है ना, अब वो मैंने दिया,
यहाँ से कह के, या आपके इंटरनल आ रहा है कि नहीं भाई हमें तो पढ़ना ही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। ठीक, नहीं मम्मी आ रही डंडा लेके, पढ़ोगे नहीं तुम, पढ़ोगे कैसे, नहीं डंडा मार रही है, तो मार रही है वो भी क्या है, स्टिमुलस है ना, फिर आप रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है, एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज। ये कैसा हो सकता है, एक्सटर्नल भी या फिर इंटरनल भी। ठीक है, अब जैसे स्टिमुलस मिला, तो मिला आपको चीज मिलती है तो हम उसे लेते हैं, ठीक है, तो उसको रिसीव भी कर रहा होगा कोई, ठीक, तो वो क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर्स। ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम, रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, हाँ स्पेशलिटी है इनके अंदर, लोकेटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड रिसीविंग मैसेज, जो कैपेबल होते हैं कि मैसेज को रिकॉग्नाइज कर सके, उनको रिसीव कर सके, और उनको हम क्या कह देते हैं, रिसेप्टर। ठीक है, स्टिमुलस मिला, फिर वो जो है ना स्टिमुलस कि क्या होगा फिर उसका, ठीक है, रिसेप्टर्स होंगे। ठीक, हम उसको देख पाएंगे, देख पाएंगे कैसे देखेंगे मैम, तो देखने के लिए या सुनने के लिए है ना, अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, तो जैसे कि फोनो रिसेप्टर, फोन, अरे मैम बस अब कुछ मत कहिए, ठीक है, तो फोन रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो फोनो रिसेप्टर कहाँ है, ईयर में, और ईयर में है तो बेटा हम क्या करेंगे, ईयर से क्या करेंगे, सुनेंगे, तो साउंड के लिए कौन है, फोनो रिसेप्टर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, फोटो रिसेप्टर, कौन सी वाली फोटो मैम, कौन सी वाली फोटो, नहीं यहाँ पे फोटो का मतलब हो रहा है लाइट, ठीक है, हाँ यानी कि लाइट, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे आईज में। ठीक है, कहाँ से देख पाते हैं, देखने के लिए क्या है हमारे पास, आंखें है ना, आईज, तो ये क्या है, फोटो रिसेप्टर। नेक्स्ट इज दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज में, और नोज की हेल्प से क्या करते हैं, बातें, नोज की हेल्प से बातें करते हैं मैम, नोज की हेल्प से क्या करते हैं हम, स्मेल के लिए है ये, ठीक है, किसके लिए है, स्मेल के लिए। ठीक, नेक्स्ट इज दी थर्मो रिसेप्टर, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, हमारे स्किन में। ठीक है, हम किसी भी चीज को छूते हैं तो कहते हैं हाँ ठंडा है, हाँ ठंडा तो है, गर्म है, तो ठंडा गर्म जो आपको पता लग रहा है वो कैसे लग रहा है, आपने उसको टच किया, तो टच किया ऐसा क्या था जिससे आपको पता चला ये ठंडा या गर्म है, तो बोलते हैं हमारे थर्मो रिसेप्टर। ठीक, नेक्स्ट क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और टंग में प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्ट के लिए, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, गस्टेटरी रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्ट के लिए, कहाँ प्रेजेंट है, हमारी टंग में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया हमारे टंग में प्रेजेंट। अच्छा, आप कुछ भी खाते हैं, हाँ ये तो मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, तो मीठा लगा, कड़वा लगा, खट्टा लगा, कैसा लगा, उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर, जो कि हमारे टंग में प्रेजेंट हैं, जो बताते हैं टेस्ट के बारे में। ठीक है, चलो देखो ये टंग में, मैडम यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे मुझे वहां से दिखा रहे हैं ऐसे, जी देखो मैडम आप बता रहे टंग आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, हमें मत दिखाना ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना, पकड़ ले शुरू को, इसकी टंग, हाँ ये जो टंग है ना, इसमें क्या है, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे बेटा आप बता देते हो अरे ये तो बहुत कड़वा है, हम नहीं खाएंगे इसको, फिर खट्टा है, सॉल्टी है, स्वीट है, कैसा है, तो वो हम खा के तो बताते हैं, सूंघे नहीं, अखा था, अरे इसका टेस्ट अभी मैं सूंघ के बता दूंगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, जब टेस्ट करते हो तो बताते हो हाँ अच्छा है, बुरा है, मिर्च कम है, नमक ज्यादा है, कैसा है। ठीक है, वो सब चीजें। अभी ये देखो, ये नॉर्मल बैठा हुआ बच्चा है, ठीक, इसको नींबू खिला दिया, ठीक, इसको स्टिमुलस मिला, अब स्टिमुलस तो मिला लेकिन इसके टंग में क्या प्रेजेंट थे, कुछ रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर कौन से थे, है ना, टेस्ट के लिए। अब टेस्ट के लिए इसको अरे क्या खिला दिया भाई, खट्टा खट्टा है, तो ये देखो इसका बिहेवियर ही चेंज हो गया, भी शांति से बैठा हुआ था, नींबू खिला दिया, क्या खिला दिया, देखो उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है ना, हाँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, जिससे ही हमारी आंखों में लाइट पड़ती है, हम कम लाइट से ज्यादा लाइट में जाएं या ज्यादा लाइट से कम लाइट में आएं, तो क्या होता है, तो क्या होता है, देखो ये देखो, ये देखो साइज जो है वो कैसा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे आंखों में भी, हमारे आईज में भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, और वो रिसेप्टर कौन से हैं, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, और ये क्या है, हमारी स्किन, ये क्या है, हमारी स्किन ऐसी, हम ऐसे रखें, ये क्या है, ऐसे। ठीक है, ये लो, अब ठीक है, लग रहा है मेरा हाथ,
ये क्या है? स्किन। और स्किन में क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर। ठीक है, टच करके बता देते हैं ठंडा है गर्म है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे। चल हमने देख लिया भाई, स्टिमुलस देख लिया, रिसेप्टर देख लिए, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा? इफेक्टर। ठीक है, अच्छा जैसे बेटा मैं कुछ गर्म चीज पकड़ूं, ठीक है ये गर्म नहीं है कोई बात नहीं, मैंने कुछ गर्म चीज पकड़ी तो जैसे मैं पकड़ूंगी तो मैं अपने हाथ हटाऊंगी ना, कि गर्म है भाई छोड़ दो, है ना। तो जैसे गर्म है छोड़ दो, हाथ हटाया, तो हाथ हटाया आपने रिएक्ट किया, आपने रिस्पॉन्स किया कि भाई हटा लो, लेकिन हटाया कैसे? मसल्स की हेल्प से। वो मसल्स पीछे हट गई, ठीक है, उन्होंने इसे पीछे खींचा, हटाओ भाई क्या कर रहे हो, गर्म है जल जाओगे। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से हुए? मसल्स की हेल्प से हुए। तो ये क्या था? इफेक्टर। ये क्या था? इफेक्टर। तो इफेक्टर क्या होते हैं बेटा? इफेक्टर आर टिश्यू ग्लैंड और मसल विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिसीव। जो स्टिमुलस रिसीव हुआ फिर आप रिस्पॉन्स करोगे, लेकिन कर किसकी वजह से रहे हो? कैसे? तो वो क्या होते हैं? इफेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? इफेक्टर होते हैं। ठीक है, जा रहे थे ऐसे बढ़िया से, यहाँ पे कुछ था क्या? काटा, जोर से लग गया, बहुत मसल दिया, नहीं पीछे हटाए ना, तो वहां पे जो मसल्स थी वो पीछे हटी, वो क्या रही? इफेक्टर, के हटा लो भाई नहीं तो और जोर से लगेगा फिर। ठीक है, तो ये तो हमारा हमने देख लिया, इफेक्टर हो गया और स्टिमुलस हो गया, रिसेप्टर्स भी देख लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? कैसे हमारी बॉडी में फ्लो हो रही है चीजें? ठीक है, चीजें का मतलब यहाँ पे क्या है? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। आपने कुछ गर्म चीज टच की, क्या करोगे? हटा लो। ठीक है, खाना बना रहे थे, बर्तन टच हुआ गर्म, तुरंत पीछे हाथ हटाते, नहीं हम पकड़े रहेंगे ऐसे, देखे क्या होता है, क्या नहीं होता है, जल जाओगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है? द पाथवे फॉलोड बाई नर्व इम्पल्स इन दी बॉडी। कैसे हो रहा है? देखो सबसे पहले बेटा क्या मिला हमें? स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस मिला, ठीक, फिर कहाँ गया? रिसेप्टर। और रिसेप्टर के बाद में इंफॉर्मेशन आती थी, उसको कौन सबसे पहले लेता था? डेंड्राइट, है ना, डेंड्राइट। डेंड्राइट किसके पास भेज देंगे? सेल बॉडी के पास, जाओ भाई आगे ले जाओ इन्फॉर्मेशन को। ठीक, स्टिमुलस के बाद कौन आया? रिसेप्टर। रिसेप्टर के बाद में डेंड्राइट, ठीक, उसके बाद में सेल बॉडी, फिर एक्सोन, फिर हमने देखा था बेटा कि एक नर्व सेल और दूसरी नर्व सेल के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट था, उसको हमने क्या बोला था? साइनेप्स। ठीक है, फिर कहाँ आया? साइनेप्स। उसके बाद में एक नेक्स्ट नर्व सेल मिल जाएगी हमें, ठीक है, तो डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। ठीक, उसके बाद में फिर जो अदर न्यूरॉन या नर्व सेल है उसकी भी तो क्या होंगी? सेल बॉडी होगी, एक्सोन होगा, तो फिर भैया सेल बॉडी। ठीक, फिर कहाँ पहुंचेगा? हमारे सीएनएस तक, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, सेल बॉडी, फिर एक्सोन, और फिर कहाँ आ जाएगा? इफेक्टर के पास में, और इफेक्टर कहेगा हाथ हटा लो, पैर हटा लो भाई, नुकसान हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो अब हमने कुछ देखा था कि हमारे पास क्या है, कुछ न्यूरॉन देखे थे बेटा हमने, है ना, रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ये क्या है? हम कौन सी मोटर? घरों वाली मोटर। घरों वाली मोटर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलो कि हमारे पास क्या है? सीएनएस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ बेटा? स्टिमुलस मिला। कौन मिला? स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस मिला, फिर कौन होगा? रिसेप्टर। ठीक है, हमने देखे वेरियस रिसेप्टर, हमने कौन कौन से देख लिए, ठीक है, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक, अब क्या है कि वो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है अब रिसेप्टर से सीएनएस तक, यानी कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? ठीक है, वो कर रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको कौन ले जा रहा है? हमारे सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, पहुंच गए। अब क्या है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो रेस्पॉन्स है वो कहाँ दिखना चाहिए ना रेस्पॉन्स, तो फिर वहां से वहां तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? इफेक्टर। ठीक, कौन होंगे? इफेक्टर। और इफेक्टर तो कुछ भी हो सकती है, मसल, टिश्यू, ग्लैंड, अभी देखा ना हमने। ठीक है, अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आई है इसको कौन लेके आता है बेटा? हमारे मोटर न्यूरॉन। ठीक है, कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन। ठीक, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से जा रही है और यहाँ से आ रही है कि आपको रिस्पॉन्स क्या करना है। ठीक है, इन यहाँ से यहाँ तक ये जो देने का काम कर रहा है ना बेटा, ये जो एक कनेक्शन बिठा रहा है, जो एसोसिएशन का काम कर रहे हैं, वो करते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक है, वो कौन कर रहे हैं? रिले न्यूरॉन कर रहे हैं।
तो हमने देख लिया सेंसरी ले जा रहे हैं इंफॉर्मेशन को, मोटर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और रिले क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बिठा रहे हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का ये हमने देख लिया। चलो अब देखते हैं कि क्या है ये, ठीक है, ये देखो क्या है, सेंसरी न्यूरॉन कन्वे द स्टिमुलस टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, कन्वे मोटर कमांड टू इफेक्टर, और मोटर कमांड इफेक्टर तक ले जाने का काम कौन कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन। उसके बाद क्या है, रिले न्यूरॉन, ये क्या कर रहे हैं, सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, रिले न्यूरॉन, ठीक। अच्छा जी, इनको हमने इनकी फंक्शन देख ली कि क्या होते हैं और कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, आ जाओ देखते हैं, ये लो ये आ गया, ठीक है, ये तो हमने देख लिया अपना इस तरीके से, अब आप समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या है कि स्टिमुलस है, फिर रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, ठीक है, उसके डेंड्राइट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन आगे पहुंचा रहा है इन्फॉर्मेशन को, साइनेप्स दो नर्व सेल के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है, फिर क्या है हमें अदर न्यूरोन की डेंड्राइट मिलेगी, ठीक, सेल बॉडी, फिर कहाँ पहुंचे हमारे सीएनएस तक, फिर क्या है डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, क्योंकि लाने का काम कौन करेगा, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, फिर कहाँ आएंगे, सेल बॉडी, एक्सोन एंड इफेक्टर, ठीक है। चलो तो इस तरीके से क्या होता है, ये पाथवे जो है वो फॉलो होती है। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि नर्व इम्पल्स, ये क्या होता है मैम, ठीक है, तो एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा कि जब इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर नर्व एंडिंग थी साइनेप्स, और ये होते हैं बेटा साइनेप्टिव लोब होती है ये, ठीक है, लोब, और यहाँ से क्या है एक नई नर्व सेल की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को फ्लो कराना है, फ्लो होगी इन्फॉर्मेशन, तो क्या होता है बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जाएगी, तो ये तो हो गए कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर कुछ होते हैं केमिकल सिग्नल, ठीक है, क्या होते हैं कुछ केमिकल सिग्नल, और उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जैसे कि एसिटाइलकोलाइन, ये क्या है हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक, फिर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट में, ऐसे ही फिर नेक्स्ट में और ऐसे इंफॉर्मेशन का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। चलो आप देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये क्या है बेटा, ये हमारी सेल है, ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ तक, ठीक, ये माइलिन की सीथ है तो माइलेटेड न्यूरॉन, नहीं है तो नॉन माइलेटेड न्यूरॉन, ठीक है। अब देखो ये साइनेप्टिव लोब है, यहाँ से क्या हो रही है, अगले सेल में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, ठीक है, अगले सेल में क्या होगी, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें रिक्वायरमेंट है कुछ चीजों की, ठीक है, तो वो क्या है, ये कुछ केमिकल्स, और ये क्या है हमारे बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक, और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये चीज देख ली, ठीक, ओके। अब देखो क्या होती है हमारी नर्व इम्पल्स जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है ना, अब एक सेल तक तो इन्फॉर्मेशन रुकनी नहीं है, यहाँ तक गई मतलब ऐसे यहाँ से आई, फिर यहाँ तक रुकी, फिर आगे चली गई, फिर और आगे चली गई, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के फॉर्म में, पासिंग थ्रू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, उसे हम क्या कह रहे हैं, नर्व इम्पल्स कह रहे हैं। देखो ये क्या हुआ बेटा, यहाँ से क्या हुई इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, ये लो ये क्या आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, ये सिग्नल्स आए, ठीक। अब ये कैसे सिग्नल हुए बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये पूरी एक नर्व सेल को क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गई, नर्व एंडिंग, फिर एक नई सेल की स्टार्टिंग हुई, नर्व सेल की। तो यहाँ पर ये देखो ये कनेक्शन बना, ये क्या है, दो के बीच में गैप, साइनेप्स, यहाँ पर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे और वो क्या होते हैं, केमिकल। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, फिर क्या मिले हमें, कुछ केमिकल सिग्नल, वो क्या है हमारे, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल जो पास हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है, उसे हमने क्या कहा बेटा, नर्व इम्पल्स कहा, ठीक है। तो ये एक सेल, फिर यहाँ, फिर ऐसे क्या है, इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी क्या कर रही है,
फ्लो कर रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, और इसको हमने क्या कह दिया, नर्व इम्पल्स कह दिया, ठीक है। चलो हमने नर्व इम्पल्स देख लिया, नेक्स्ट क्या है बेटा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये कैसा जंक्शन है मैम? ठीक है, ये जंक्शन नहीं है, ये क्या है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या मतलब है बेटा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का? देखो, चलो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी देख लेते हैं। इज द साइनेप्टिव कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व एंड मसल। ठीक, मान लो बेटा ये क्या है हमारा मोटर न्यूरोन है, ये हमारी मसल है, ठीक है, तो इनके बीच का जो यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये हमारी क्या हो गई, मसल, और ये क्या है हमारी नर्व सेल। ठीक, ये क्या है, साइनेप्टिव कनेक्शन बन रहा है इसके बीच में, ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है इसके बीच में बेटा, मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में, ये मोटर न्यूरॉन, ये मसल, इनके बीच में ये जो कनेक्शन है इसको हमने क्या बोला, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। दिखा है ना, द इज अ साइनेप्टिव कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ ए मोटर नर्व एंड मसल। ठीक, उसे हमने क्या बोल दिया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। भाई हम किसी चीज को, गर्म चीज को टच करेंगे तो हाथ हटाएंगे, हाथ हटाएंगे तो भाई मसल्स भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उसमें, ठीक है। तो अब इन्फॉर्मेशन लेके कौन आया हाथ हटाने के लिए, मोटर न्यूरॉन, तो वही कनेक्शन है, कैसा, मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में जो कनेक्शन है उसे हमने क्या कहा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का। ठीक है, चल न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तो हमने देख लिया। अब बेटा ये जो केमिकल होंगे ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक, और इसको हम क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स, इन्फॉर्मेशन का फ्लो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के फॉर्म में। ठीक, अब हमारी बॉडी में कुछ एक्शन होती है, कुछ एक्शन हम भी करते हैं, हैं, हम तो एक्शन का रिएक्शन ही कर देते हैं, वो वाली एक्शन का रिएक्शन नहीं। नेक्स्ट क्या है, वॉलेंट्री एक्शन, ऐसी एक्शन बेटा जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो। हाँ, थिंकिंग इन्वॉल्व हो, थिंकिंग बस वही तो नहीं करती मैं, ब्रेन ही नहीं है, थिंक कहाँ से करेंगे, वो वाली बात नहीं कह रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसी एक्शन बेटा जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो और वो हमारी विल पावर में, हमारे कंट्रोल में हो। ठीक, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, अब मेरा मन है तो मैं आगे मूव करूंगी, नहीं है मैं नहीं करूंगी, भाई मैं सोच के करूंगी ना, क्या अगर मैं ज्यादा ऐसे चले जाऊँ आगे, दीवार पर चले टकरा गए हम, ठीक है, तो हम सोच लेंगे हम। ठीक, रोड क्रॉस करेंगे तो देखेंगे, सोचेंगे हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है, तो हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व है। हम चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो ना दिमाग में रहता है कि हाँ अब इसके बाद में ये स्टेप करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये सभी में क्या है, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही है, हमारे विल पावर में है, हम कंट्रोल कर रहे हैं ऐसी मूवमेंट को, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो क्या है वॉलेंट्री मूवमेंट, दोज एक्शन विच रिक्वायर्ड थिंकिंग, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट है, थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, एंड कंट्रोल्ड बाई ओन विल, हमारे विल पावर में है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, सोच समझ के बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कि नहीं बस जो मन में आया बस बोले जा रहे, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग आर्म, अपने हाथों पैरों को हिलाना, डांस करना, रनिंग करना, ये सब क्या है, ये सभी वॉलेंट्री एक्शन है। देखो ये मिस्टर दौड़े जा रहे, ठीक है, तो ये रन कर रहे हैं, क्यों, हो सकता है लेट हो रहे हो, ठीक है, हो सकता है लेट हो रहे हैं इसलिए जल्दी जा रहे हैं। ठीक, तो ये उनके विल में है ना, ये आराम से भी जा सकते थे, लेकिन हो सकता है लेट हो रहे हो इसलिए भाग के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्शन जो हमारे कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी भी एक्शन होती है मैडम जिन्हें हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल, ऐसे एक्शन जिन्हें हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन, दीज आर ऑटोमेटिक, ये खुद होती है अपने आप, इन्हें हम नहीं करते। ठीक है, ये अपने आप हो रही है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाई ओन विल, हमारे विल पावर में ये नहीं है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे मर्जी से नहीं चलेंगी। ठीक है, कि नहीं आई काम करो आज ना स्टमक अपनी मूवमेंट करना बंद कर दो, ठीक है, ठीक, स्टमक की मतलब अपनी मूवमेंट बंद करना, मूवमेंट मत करो बंद कर दो, ठीक है, हार्ट से कह रहे हैं अपना काम मत करो रोक दो, नहीं सुनेगा वो किसी की। ठीक है, आप कहते हो थोड़ी देर और ठहर जा, नहीं ठहरेगा थोड़ी देर, क्यों, अगर ठहर गया तो काम खत्म। ठीक है, तो ये ऐसी मूवमेंट जो हमारे विल पावर में, ऐसी एक्शंस जो हमारे विल पावर में है ही नहीं, उनका कंट्रोल हमारे मर्जी से नहीं चलेगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है,
जैसे कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच आर नॉट बी कंट्रोल्ड बाई ओन विल, ठीक, जैसे कि पंपिंग, सॉरी बेटा टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक, जैसे कि पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड पंप कर रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, हमने देखा था जब हमने पढ़ा था डाइजेशन न्यूट्रिशन, याद करो मैडम कैसी बात कर रही हो, आगे का पढ़ते हैं तो पीछे भूल जाते हैं, पीछे का पढ़ते हैं तो आगे भूल जाते हैं, तो रिवीजन करो, ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक, स्टमक की मसल्स मूव कर रही हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, ये कैसी मूवमेंट है, ये कैसी मूवमेंट है, हम कर रहे हैं, हार्ट अपनी मूवमेंट कर रहा है, क्या इसका कंट्रोल हमारे हाथों में है, नहीं, ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। चलो हमने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी तो पढ़ लिए, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट बेटा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, अभी तो देख लिया हमने वॉलंटरी एक्शन, देन इनवॉलंटरी एक्शन, अब क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या है, ये क्या होता है मैम, देखो बेटा जैसे कि कुछ गर्म चीजें, ठीक है, आपने कोई कैंडल है, ठीक, या कोई भी गर्म बर्तन है, ठीक है, या कोई बहुत ज्यादा ठंडी चीज है, ठीक, आप उसको टच करते हो, हाथों को पीछे हटाते हो, ठीक है, या आपके कहीं चुप कांटा चुप गया, ठीक है, तो आप पैर पीछे करोगे, हम मसल लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना, तो ये जो चीजें हो रही है ये क्या है, हम सोचेंगे कि देखो कैंडल यहाँ जल रही है, हम इस पे ऐसे उंगली रखे रहेंगे, अभी सोचेंगे कि हटाएं नहीं हटाएं, तब तक जल जाएगी भाई, वहां पर हमें जो रेस्पॉन्स करना है बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करना है कि हटाओ तुरंत पीछे हटाओ, है ना, जैसे देखा कि हाँ यहाँ पर ये गर्म तुरंत हटा लेते हैं पीछे, ठीक है, बटन रखा होता है गर्म टच करते, अरे भाई हटा लिया पीछे, क्यों हटा लिया, क्योंकि वो गर्म है, उस पर इमीडिएट हमें एक्शन चाहिए, उसमें तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स करना है, ये नहीं कि अभी सोचेंगे हटाएं कि नहीं हटाएं, तो पता लग काम ही खत्म, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है, तो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, चलो ये देखो, ये थी कैंडल जल रही थी भाई यहाँ पर, इन्होंने देखा इनकी उंगली, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे थर्मोरिसेप्टर होते हैं स्किन में, ठीक है, हाँ भाई हीट थी गर्म थी, पता चल गया हाँ गर्म है, तुरंत क्या होगा बेटा, सिग्नल जाएगा फटाफट फटाफट एक्शन आएगा कि हटा लो पीछे, सोचो नहीं एक मिनट के लिए भी, तुरंत हटा लो वहां से, ठीक है, तो ये गए और देखो तुरंत उन्होंने अपना हाथ पीछे तुरंत ऐसे कर लिया, तो ये जो एक्शन है ये कैसी है रिफ्लेक्स एक्शन, आपको छींक आती है, तो छींक अपने आप आती है ना, कि नहीं सोच रहे हैं कि छींक आ रही है अब एक दिन बाद आएगी दो दिन बाद आएगी, नहीं तुरंत आई, तुरंत आपने छींक दिया, अब वो नहीं कि अपने आप से अच्छू अच्छू कर रही है, वो अच्छू अच्छू नहीं, छींक आ रही है वो अपने आप से आ रही है, वो तुरंत तुरंत आ रही है, ठीक है, आंख झपक रही है, ठीक है, तो ये सब क्या है तुरंत रेस्पॉन्स करना है किसी के लिए, किसी ऐसे हार्मफुल स्टिमुलस है जो हमारे लिए हार्मफुल है और उसके लिए हमें तुरंत रेस्पॉन्स करना है, तो वहां पर जो एक्शन होगी वो क्या होगी रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, हाँ, तो वो जो एक्शन होगी वो क्या होगी रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ठीक है, ओके, देखो इनको गर्म लगी, हाँ लग रहा है भाई गर्म है ये, ठीक है, तुरंत सिग्नल गया, तुरंत क्या किया हाथ पीछे हटा लो जल जाओगे, ठीक है, तो ये एकदम फास्ट रिस्पॉन्स आया है, तो ये जो एक्शन है वो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक, चलो देखते हैं क्या, रैपिड अनकॉन्सियस इमीडिएट ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स है अनकॉन्सियस इमीडिएट ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इट इज कंट्रोल्ड बाई स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, यहाँ पर ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, स्नीजिंग, कोई गर्म चीज पकड़ी तो हाथ हटा लिया वहां से, ये सभी क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक, उसके बाद में एडवांटेज क्या है, क्यों हो रही है रिफ्लेक्स एक्शन, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल डैमेज, ठीक है, हार्मफुल डैमेज, कोई हार्मफुल स्टिमुलस है उसके लिए हमें तुरंत रिस्पॉन्स करना है, तो कौन करवा रहा है रिफ्लेक्स एक्शन, तो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है ना यहाँ से, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल डैमेज कॉज बाई कंडीशन, ठीक, और क्या कर रहा है मिनिमाइज दी, ठीक है, इट मिनिमाइज दी स्ट्रेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन पर जो स्ट्रेस है उसको कम कर देता है, ब्रेन पे लोडिंग, भाई ब्रेन कितना काम करे, ठीक है, तो कोई बात नहीं आपका काम हम कम किए दे रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट क्या है सर्वाइवल में हेल्प करता है, तो हेल्प इन सर्वाइवल कौन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है रिफ्लेक्स आर्क, बेटा जो रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पर जो पाथवे फॉलो हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, हमने इसको टच किया तुरंत सिग्नल गया उधर से आया कि भाई हटा लो, तो वहां से यहाँ से जो गया है ना जो पाथवे जो पूरा फॉलो हुआ है यहाँ से गया और फिर तुरंत हमने हटाया, तो वो जो पाथवे फॉलो हुआ है उसे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, तो देखो ये गरम गरम इन्होंने पकड़ा बर्तन तुरंत बेटा यहाँ से ये देखो ये
सेंसरी न्यूरॉन गए फटाफट, कहाँ ले गए ये जल्दी बताओ, कहाँ ले गए? हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब यहाँ से तुरंत क्या आया तुरंत रिस्पॉन्स आया कि क्या हटाओ, कौन लेके आएगा? मोटर। अब बीच में इनको कनेक्शन कौन दे रहा है? इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, ठीक है। हाँ, और ये देखो ये क्या है, इफेक्टर मसल इन आर, तुरंत क्या कर लोगे, पीछे हटा लोगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथवे फॉलो हुआ है, ठीक है, सीनस में क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और क्या है, हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन। और रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, कंट्रोल कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से जो जाने और आने का जो पूरा पाथवे है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक। चलो ये जो पाथवे फॉलो हुआ है ना, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। क्या है ये, द पाथवे टेकन बाय ए नर्व इंपल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे फॉलो हुआ है, ठीक। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। दे अलाउड रैपिड रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, जैसे पुलिंग अ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, आपने कोई गर्म हॉट ऑब्जेक्ट देखा, तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लिया, है ना, नहीं हम डाले ऐसे डालोगे थे ना, तुरंत पीछे खींचोगे, तो वो जो एक्शन थी वो कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और यहाँ पर जो पाथवे फॉलो हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया, चल क्या हुआ बेटा, स्टिमुलस मिला हमें सबसे पहले, ठीक, स्टिमुलस, उसके बाद में क्या, रिसेप्टर यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन में होते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, फिर कौन मिला, मोटर न्यूरॉन, फिर मसल या ग्लैंड जो कि हमारे क्या है, इफेक्टर्स, और फिर हमने क्या किया, एक्शन यानी कि रेस्पॉन्स। ये पूरा का पूरा पाथवे इस तरीके से फॉलो होता है, ठीक है। चलिए तो ऐसे ये पूरा का पूरा क्या हुआ, पाथवे हो गया फॉलो। तो बेटा आज का हम अपना लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक।